रहमान रहीम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम 1.1 का स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख लूं बेटा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूं। बोर्ड में बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ये आपको एक फंक्शन गिवन है। एफ ऑफ 2 आपको गिवन है -3, एफ ऑफ -1 0 है। आपने ए और बी फाइंड करने हैं, ए और बी कॉन्स्टेंट है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से रिलेटेड या फर्स्ट ईयर से रिलेटेड भी आपने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। देखें इस सॉफ्टवेयर में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एफ ऑफ 2 पुट कर देना, एक्स पे 2 पुट करोगे तो राइट साइड पे भी बेटा 2 पुट कर देना। तो आपको एफ ऑफ 2 की वैल्यूज लेफ्ट और राइट पे दोनों इस सॉफ्टवेयर में आपने 2 पुट कर देना है। फिर उसकी जगह पर -3 लेफ्ट पे हम पुट करेंगे। फिर अगली दफ़ा क्या करना है, -1 पुट कर देना है। हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, एक्स खत्म हो जाएगा, एक्स की जगह पर कीमत आ जाएगी। ए और बी में जब दोनों इक्वेशन आ जाएंगी, हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और बी फाइंड कर लेंगे। ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आया है, अब हम इसको निकालते हैं। अब बताएं मुझे सोल्यूशन में हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स था एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। तो हमें कहाँ से ख्वाब आना है कि हमने इधर एक्स की जगह 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4। ये अपनी मर्जी से पुट करना है, लेकिन आपको जो गिवन है आपने उस लिहाज से देखना है कि आपको एफ के बाद यहाँ एक्स है, आपको एफ के बाद क्या दिया हुआ है 2। तो आप इस x की जगह पर अगर लेफ्ट पे इधर 0 पुट करोगे तो इधर भी x की जगह 0 पुट करोगे, इधर 1 करोगे तो इधर भी 1 पुट करोगे। लेकिन आपको जो कीमत दी हुई है आपने दोनों तरफ से देख लेना है कि आपने बारी बारी x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस वक्त आपने x को क्या सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, f एज इट इज, x की जगह बच्चों क्या पुट कर दें 2। ये आपको गिवन था ना एफ ऑफ 2। अब यहां भी x की जगह 2 है, ए बी की जगह कुछ नहीं पुट करना, ना मैथ की जगह कुछ पुट करना है। आपने x की जगह पर जो लेफ्ट पे वैल्यू पुट की है वही राइट पे। तो इधर 2 का क्यूब माइनस ए एज इट इज, फिर 2 का स्क्वायर बी एज इट इज इंटू 2 प्लस 1। देखें x की जगह लेफ्ट और राइट पे 2 पुट कर दिया। यहां से आपको क्लिक करने की बात है, ये एफ एफ टू पूरी की कीमत दी हुई है एरो। बेटा इस पूरे को खत्म करके मैं यहां एक सब्स्टिट्यूट करने लगा हूं, कीमत बताएं, इसकी कीमत की दी हुई है एफ एफ टू क्या है -3। ये आपको समझ आनी चाहिए,
कि सर ने ये कहाँ से गायब कर दिया, इसकी जगह पर मैंने पूरे दोनों की जगह क्या पुट कर दिया, माइनस थ्री, ये गिवन था। 2 की पावर 3 आपको पता है 8 है, अब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है, 2 की पावर 2 4 होता है, -4a बेटा +2b +1, ये मैथमेटिक्स की इक्वेशन आ जाएगी a और b में। इधर 0 रहने दो, ये 3 उधर ले जाओ, 8 और 1 9, 9 + 3 = 12, -4a + 2b। अगर सारे कोई एक डिजिट सबको डिवाइड करता हो तो किस पे डिवाइड कर दें हम, 2 पे डिवाइड कर दो सबको, 6 - 2a + b। फर्स्ट इक्वेशन आ गई स्टूडेंट हमारी, हमारे पास इक्वेशन 1 बेटा आ गई, हमने एफ ऑफ एक्स की जगह 2 पुट किया था, 9। अब हम एफ ऑफ 2 के बाद आगे पढ़े जरा, एफ ऑफ क्या लिखा है, -1। अब इसी सॉफ्टवेयर में हम -1 पुट करेंगे, एरो आप भूल ना जाए, मैं यहां ऐसे 9, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ -1, ये हमें ख्वाब नहीं आया, इसको नीचे फोकस कीजिएगा। अब मैंने एफ ऑफ -1 क्यों पुट किया है, देखें यहां पहले 2 पुट किया था, अब -1 पुट करने लगा हूं, तो एफ ऑफ -1 बेटा -1 का क्यूब -a (-1)² + b (-1)+1। एफ ऑफ -1 स्टूडेंट, एफ ऑफ -1 की कीमत आप सब्स्टिट्यूट करें लेफ्ट पे, यहां बेटा 0 क्यों आएगा बताएं, एफ ऑफ -1 की वैल्यू आपको 0 गिवन है, ये मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, 0 = -1 का क्यूब, -1 आएगा बच्चों, माइनस स्केयर की वजह से खत्म हो जाएगी, माइनस ए ही रहेगा, माइनस रहेगा माइनस बी और +1, दोनों को इधर ले आओ, ए प्लस बी पॉजिटिव हो जाएंगे, 0 का कोई साइन नहीं होता, ये 2 आ गई स्टूडेंट, इक्वेशन 1 और 2 ये आपके पास देखे कौन, अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये दोनों इक्वेशंस को आप हल कर सकते हैं। मैं आपको इसको चेंज नहीं करता ताकि आपको साइन का भी प्रॉब्लम ना आए, 0 = -a - b, सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 लिखें जी, 0 = -2a + b, 1 इक्वेशन, 0 = -a - b, एडिंग क्योंकि ये पहले साइन डिफरेंट है, 0 = 6 - 3a, 3a इधर ले आए, 3a = 6, स्टूडेंट a = 2, द वैल्यू ऑफ a = 2, 2 में पुट करें b निकलेगा, फ्रॉम 2 0 = -a - b, 0 = -2 - b, b इधर ले आए बेटा, -2, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं 6, इधर फोकस कर दीजिएगा,
स्टूडेंट क्वेश्चन को रीड कर लेना आपने, मैं शार्ट सारा लिखने की बजाय टाइम सेव करता हूँ, मैं इसका सॉफ्टवेयर सीधा सीधा लिखता हूँ एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स जो गिवन है मैं बच्चों वो ही लिखता हूँ, वो क्या है 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। पहला पार्ट है x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, सेकेंड पार्ट है x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, थर्ड पार्ट है x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड। बी पार्ट है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, स्टूडेंट अभी हमने ये क्वेश्चन जो पहले किया है उसी से रिलेटेड है, ये आपको मैं खुद बताता हूं, आप घर में खुद करेंगे। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, पहले पार्ट में 1 सेकेंड, एक्स को इधर भी 1 पुट कर देना, आपने इधर भी पुट कर देना, पहले पार्ट में x इज इक्वल टू 1 पुट करके आंसर निकाल लेना, दूसरे पार्ट में 1.5 पुट कर देना, तीसरे पार्ट में 1.7 पुट कर देना। तो आई होप कि आप ये तीनों पार्ट कर सकते हैं। दोबारा देखें एच ऑफ एक्स में इस सॉफ्टवेयर में फर्स्ट पार्ट को करने के लिए 1 सेकेंड, तो पहले पार्ट में क्या करोगे एच ऑफ 1, तो क्या करेंगे 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये आप हल कर लेंगे। अगले पार्ट में 1.5, उससे अगले पार्ट में 1.7, तो ये तीनों पार्ट करेंगे। आखिरी क्वेश्चन पार्ट देखें व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, इसमें पुट हाइट इसमें जीरो हो जाती है, फिजिक्स वाले सर आपको बताएंगे ज्यादातर कि ये जब ग्राउंड में लगना है तो इसमें हाइट आपने क्या पुट कर देनी है जीरो, पुट एच ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। तो बताएं जी इसमें क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, 10 एक्स स्क्वायर इधर ले 40 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो हमेशा प्लस ही लेंगे आप, टाइम नेगेटिव नहीं होना। तो 2 सेकंड के बाद ये ग्राउंड को टच करेगी। बेटा मैंने इसका लास्ट पार्ट किया है, बाकी मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है कि ये आसान पार्ट थे कि 1 पुट करना है 1.5 1.7, मैंने When does stone strike the ground वाले पार्ट में एच ऑफ एक्स आपने क्यों पुट किया है, हाइट को जीरो पुट करके आपने टाइम निकाल लेना है। विश यू गुड लक, नेक्स्ट लेक्चर हम कल बेटा डिस्कस करेंगे।